वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। इंसानों की इज्जत करें, प्यार दें, खुशियां दें, एक दूसरे का एहसास करें, यही खूबसूरत जिंदगी है। क्या बन रहा है रेसिपी में? नहीं कहो, तूरियां। तूरियां तूरियां और अनियन। तूरियां और अनियन। देखो क्या आप क्या बनी हुई हो? मैं दूल्हा। ये देखो मैंने, ये वाओ, दिखाओ, शो करो। इधर इधर मुझे देखो। ओके बाय, पता को बाय बाय। इधर देख के को बाय। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशफाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है आप जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियां और कामयाबियां आपको और मेरा हम सबका मुकद्दर हो, आमीन सुम्मा आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। मैं जी आप लोगों के लिए बनाती हूँ दिल लगा के ये खूबसूरत सा व्लॉग, और आप लोगों का भी फर्ज बनता है, आप भी पूरे दिल से दिल लगा के मेरा ये व्लॉग देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और खूबसूरत सी फैमिली बनते जाएं, जुड़ते जाएं। और जी मैं आपके लिए खूबसूरत से व्लॉग्स लेके आती रहूं। और जी इंतजार जो है वो तो कहते ना कि इंतजार की खूबसूरती ही अलग है, जैसे कि और जी इंतजार में तो मजा ही अलग है ना, तो इंतजार आपका जो है वो जल्दी खत्म होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं चैनल को और खूबसूरत और एनहांस करने के लिए उसकी ब्यूटी तो कुछ ना कुछ इस पे काम कर रही हूँ, और आप लोग अपनी दुआओं में मुझे खास शामिल रखें कि अल्लाह ताला मुझे बहुत ज्यादा खुशियां और कामयाबियां दें। और खुशियां और कामयाबियों का हक हर इंसान का है, आपका 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 और यस आपका भी जी। तो आप जो है खूब मेहनत करें, अगर लाइफ में फेलियर है और बार बार फेल हो रहे हैं तो भूल जाएं, क्योंकि हम पैदा हुए हैं तो खाली हाथ थे, ठीक है ना, और हमें इस दुनिया से जाना है तो अपने अच्छे अमाल लेके जाना है और अच्छी चीजें अच्छे काम करके और अपने आप को कामयाब करके जाना है, क्योंकि हमने फेल होके नहीं जाना, हमने दुनिया और आखिरत दोनों को कहते हैं ना लेके चलना पड़ता है। तो उस लिहाज से आप अपने आप को कामयाबी की तरफ खुद लेके जाएंगे, कोई और आज आप यकीन करें कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, लोग सिर्फ आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, आपको गिरा सकते हैं, आपके लिए बुरा सोच सकते हैं, लेकिन जो है ना वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर लोग होंगे जो आपके लिए अच्छा भी सोचेंगे और कुछ करने के लिए आपके साथ खड़े भी होंगे, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम आपके मुश्किल टाइम में कोई आपके साथ नहीं होता। सीरियस बता रही हूँ आपको, मुश्किल टाइम में सब भाग रहते हैं, ओए ये पता नहीं क्या चीज है, ओए ये क्या चीज है। तो प्लीज आप अपने आप को ना लेट डाउन ना करें, होपफुल रहें, अल्लाह ताला की कहते हैं ना यकीन की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और इंशाल्लाह ताला जरूर कामयाबी होगी और उन लोगों के ऊपर ये चीज जाएगी सीरियसली, क्योंकि जो लोग आपको लेट डाउन कर रहे होते हैं, जो आपको आपकी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं सीरियसली, उसके ऊपर कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की भी लानत है, ठीक है। और जो इंसान को कहते हैं ना नीचे गिराने की कोशिश करता है, कहते हैं किसी के लिए आप गड़ा खोदेंगे सबसे पहले उसमें आप खुद गिरेंगे, तो इसलिए कोशिश करें, होपफुल रहें, पुरउम्मीद रहें, पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदमों में होगी, इंशाल्लाह मेरी दुआ है। मेरे वेल विशर्स के लिए आप भी अपनी दुआ में मुझे खास शामिल रखें, अल्लाह ताला मुझे मेरी पूरी फैमिली को हर बुरी और बद नजरों से बचा के रखें और शैतानों की शर से महफूज रखें और उन लोगों से दूर और महफूज रखें जो बुरा सोचते हैं और बुरा करने की कोशिश करते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। सो आज का व्लॉग जो है बहुत ही एनर्जेटिक आपको लग रहा होगा, क्योंकि मैं खुद एनर्जेटिक होकर आपके सामने आती हूँ, जबकि मैंने आज इतना ज्यादा काम किया है। कुकिंग जो है वो बहुत बड़ा काम है और उसमें जो है ना आप बिल्कुल ऐसे होते हैं लेट डाउन, सॉरी क्या कहते हैं उसको, आप बिल्कुल जो है एनर्जी लो हो जाती है काम करके और बस ऐसे ही है, लेकिन फिर भी आपको खुद उठाना है, अपने आप को खुद मेहनत करनी है और खुद अच्छा अच्छा करना है, क्योंकि आपने कामयाब होना है। सो इसलिए मेहनत करें, करते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, और इंशाल्लाह ताला कामयाबी जो है वो खुद ब खुद आपके पीछे 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 आके फिर आपके सामने खड़ी हो जाएगी, कहेगी हाय मैं हूं कामयाबी और मैं आपके लिए आई हूँ। सो ठीक है ना, सो हमें कामयाबी को वेलकम करना है और कामयाबी को अपने गले से लगाना है, क्योंकि हम पुरउम्मीद हैं, हम अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ करते हैं कि हमें बहुत सारा अल्लाह ताला रिस्क दें और कामयाबियां दें और हर बुरे और फजूल लोगों के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन।
अभी आज का जो रेसिपी है वो ऑब्वियसली आप बनाएंगे मेरे स्टाइल से, तो आपके दस्तरखान को लगेंगे चार चांद, और जब चार चांद लगेंगे तो ऑब्वियसली आपको मिलेगी वाह वाह की दाद। और वाह वाह में जो मेरा हिस्सा शामिल है वो सिर्फ ये है कि आप अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वायरल करें और ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, ताकि मैं जिस मकसद के लिए आप लोगों के सामने हूँ, काम कर रही हूँ, उसमें मुझे कामयाबी हो। और मेरा मकसद क्या है, मेरी अलखुशी फाउंडेशन, उसके लिए सीरियस बता रही हूँ आपको, इतनी रिक्वेस्ट है और मैं परेशान हूं कि मैं कैसे करूं उनको फुलफिल, क्योंकि एक को करती हूँ तो फिर दूसरा, दूसरे को करती हूँ तो तीसरा, मेरे पास वो चीजें नहीं है कि मैं सबको इकट्ठा ऐसे ऐसे कर दूं, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं या मैं गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हूं, लेकिन मेरे पास जो अल्लाह का दिया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पॉकेट मनी या मेरी फ्रेंड्स जो भी सपोर्ट कर रही है, वो समझ लें कि वो ऐसे चुटकी चुटकी है, लेकिन चुटकी में भी जो भी हो पाता है वो मैं करती हूं। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाइए मेरे m.i फैशन कलेक्शन को फॉलो कीजिए और ऑर्डर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आएंगे, उसमें से हम 20% अमाउंट अगर इकट्ठी करते जाएं, अच्छी से सेल होती जाए, तो यकीन करें वो कतरा कतरा करके दरिया बनता है और हम उससे काफी लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक जो है वो मेडिसिन चाहिए, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, किसी को कोई ना कोई इश्यू चल रहा है, और मेरी जो फाउंडेशन है उसका तो है ही स्लोगन के आओ खुशियां बांटें, तो मैं खुशियां बांटना चाहती हूँ। आप मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्यू जो है वो फुल दिया कीजिए, वॉच फुल किया कीजिए, इससे ये होगा कि ऑब्वियसली व्यू अच्छा आएगा और चैनल जो है अच्छे से ग्रो करेगा, और जब आप मेरे m.i फैशन कलेक्शन को जाके फॉलो करेंगे, ऑर्डर करेंगे, वहां से भी अच्छी जो है मैं जनरेट कर सकूंगी फंड्स, क्योंकि ऑब्वियसली आपको तो एक अच्छी सी प्रोडक्ट मिल रही है, लेकिन उसमें से मेरा फर्ज है, ऑब्वियसली उसको मैंने बाय किया है, फिर उसको सेल कर रही हूँ, और ऑब्वियसली भेजने का खर्चा बहुत ज्यादा एक्सपेंस होते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें से भी आपको 20% निकाल के फाउंडेशन को डोनेट करना है, ये मेरी ड्यूटी है, और अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करें। आप लोगों के प्यार की, अप्रिसिएशन की जरूरत है, तो आज जो है इंट्रो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो जल्दी से रैप अप करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ, और आप देखिए मजेदार सी रेसिपी, और ये मेरी फेवरेट है, बहुत ही मजे की बनी थी, चलें चल के देखते हैं वीडियो और जरूर इसको ट्राई भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम है ताडा मेहरीन डक किचन च। आज मैं तुहाडे वास्ते बहुत ही जायकेदार, मजेदार, दमदार तोरी दी सब्जी बनान लगी हाँ, जो कि बहुत ही मजेदार ते वधिया बनी सी, तुहानू भी बहुत ही मजा आएगा, बस तुसी रेसिपी नू फॉलो करना है। तुहानू चाहिदी है तोरी 4 किलो मैं बनाई सी, तुसी जिन्नी भी लैनी चाहिदी है तुसी लै लो, 4 किलो तोरी, 2 किलो प्याज ते 5 to 6 वड्डे टमाटर, तकरीबन 8-10 मिर्चां तुहानू चाहिदियां, एक प्याज तुसी चकोर कट लो, ते तुसी एक वड्डा जिहा देगचा लैणा, उहदे विच तुसी एक कप चाय आला जिहड़ा हुंदा है उह भर के रख दो, विच पा दो इहदे विच हांडी च, ते नाल ही एक प्याज तुसी जिहड़ा चकोर कट्टिया सी उहनू भी तड़का लो, ते नाल ही तुसी इहदे विच टमाटर तकरीबन 5 to 6 वड्डे साइज़ दे उन्होंने भी छिलके पील ऑफ करके उदे, ते ओ भी तुसी हांडी दे विच पा दो, ते हुन तुसी थोड़ा जिहा पानी, अद्धा एक गिलास पानी दा भी पा देना, ताकि जिहड़ा टमाटर ने ओ अच्छी तरह गल जाण, ते तुसी तोरियां जिहड़ियां ने चंगी तरह वॉश करके इस तरह टुकड़े कर लो, जो मैं तुहानू स्क्रीन ते विखा रही हाँ, छोटे छोटे इहदे पीसिस करने ने, टुकड़े करने ने, ते नाल ही फिर असी इहनू बाद च ऐड करने आ जदों साडे टमाटर थोड़े जिहे गल जाण। हुण जी 5 मिंट बाद मैं वेख्या ते थोड़े जिहे गल गए ने, ते मैं हुण जिहड़ा इहदे विच पाण लगी हाँ मसाला जात, रेड चिली पाउडर मैं 3 teaspoon ऐड कीते ने, नमक हसबे जायका, जिहड़ी हल्दी पाउडर है उह भी तुसी पिंच ऑफ पाणी है 2 pinch ऑफ, ते काली मिर्च भी 2 pinch ऑफ, ते गरम मसाला भी तकरीबन 2 pinch ऑफ। काली मिर्च तुसी अगर ज़्यादा करनी चाहते हो तो तुसी 1/2 teaspoon कर सकते हो, ते इहदे विच जी तकरीबन धनिया पाउडर भी तुसी 1 to 2 चम्मच टीस्पून वह भी ऐड कर सकते जे, और क्योंकि मसाला जिहड़ा है तुसी अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट पाना है, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल इनू थोड़ा जिहा लाइट मोड ते रखते ने, लाइक लाइट स्पाइस रखते ने, ताकि वह सब्जी जिहड़ी है फिक्की फिक्की खान, ते पानी भी थोड़ा जिहा मैं इहदे विच ऐड कर दिता है, ताकि टमाटर होर गल जाण ते मसाला भी रच बस जाए। 5 मिंट बाद फिर मैंने चैक किया, टमाटर ऑलमोस्ट सारे गल गए ने, ते इनू फिर भी मैं थोड़ा जिहा
कुट रही हाँ ताकि बिल्कुल मैश हो जाए, बिल्कुल एदा जड़ा मलीदा बन जाए, बिल्कुल ए बिल्कुल गल जाए, गल तो है गया है, बस बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट बन जाए। सो मसाले की गल हो रही सी, मसाला तुसी अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट रखना है, अगर तेज़ रखना है तुहाडी मर्जी, हल्का रखना है तुहाडी मर्जी। मैनू परसनली थोड़ा जहा तेज़ मसाला पसंद है तो फिर मैं तेज़ ही रखनी हाँ, लेकिन तुहाडे घर च बजुर्ग ने तो फिर उन्होंने मुताबिक तुसी हल्का जहा रखा जे। तो यह जो 4 किलो मैं सब्जी ली सी तोरी की, वह मैं इस तरह कट ली है। तो हुण जो मैं मसाला तैयार कर लिया, टमाटर ते प्याज सब तो पहले मैं तड़काए सी ऑयल च, तो फिर उसके बाद मैं टमाटर पाए सी, फिर सारे स्पाइसिस जो गल गए, थोड़ा जहा ऑयल निकल आया, पानी भी थोड़ा जहा सी, तो फिर मैं तोरियां जी चंगी तरह धो के कटिया सन वह भी ऐड कर दतिया ने। तुसी चाहते हो कि जी जल्दी जल्दी फटाफट बनाना है तो फिर तुसी प्याज अलग तो फ्राई करिया जे, ये अगर तुसी इकट्ठे पा दोगे तो फिर तुहानू एक घंटा ये सिर ते खलोना है, क्योंकि यह जड़ा है पानी सुकण ते काफ़ी टाइम लग जाता है। तुसी जड़ा अलग तो प्याज फ्राई करके रख लो, ठीक है, यह बेहतर मशवरा है। मैं क्योंकि ये ऐड कर दिते सी तो फिर एक घंटा खलो के मैंने पकाया, लेकिन बहुत ही मज़ेदार ते टेस्टी बनया, लेकिन थोड़ा जहा टाइम जरा एक्स्ट्रा देना पड़ गया मैनू। तुसी अगर चाहते जे कि जल्दी जल्दी ये तैयार हो जाए तो तुसी इस तरह करिया जे कि तुसी पहले अलग तो अनियन फ्राई कर लिया जे कि थोड़े जे गल जाण, पानी भी खुश्क हो जाए, क्योंकि तोरी जिहड़ी है अपना पानी भी बहुत ज़्यादा छोड़ दी है, तो वह भी अनियन भी बहुत ज़्यादा छड़दा अपना पानी, तो बस फिर पानी पानी हो गया सी। मैं कह मैं की कीता, मैं समंदर पा दिता विच, लेकिन जड़ा थोड़ा जहा टाइम लग्या सी, लेकिन पानी सुक गया सी। तो सब्ज़ मिर्चा भी मैं तकरीबन 8 to 10 पा दिखाई ने, तो यह सिरका तुहानू नज़र आ रहा है, तुम भी सोचोगे यह सिरका क्यों नज़र आ रहा है। सिरका इसलिए ही नज़र आ रहा है क्योंकि मैं यह थोड़ा जहा एक घुट पावगी ये भी एक 1 teaspoon ऐड करे जे, ज़्यादा नहीं पाना, ओनली 1 teaspoon, छोटा चम्मच जो चाय चीनी वाला चम्मच होंगे वह तुम्हें पाना है, अगर मर्जी है, क्योंकि यह ऑप्शनल है, क्योंकि मैनू पसंद है स्पाइस तो थोड़ा जहा खट्टा भी, तो इसलिए मैं पाया सी। सो देसी घी भी असं ऐड करेंगे, एक डोई, एक जड़ा खाने वाला जो बड़ा चावलों वाला चम्मच होंगे वह तुसी तकरीबन 2 to 3 पा दो, लेकिन एक डोई जिहड़ी है वह देसी घ्यो दी पानी इहदे विच, क्योंकि इहदा टेस्ट जड़ा वधिया हो जाना होर भी, तो मज़ा आ जाना तुहानू जो तुसी अपने दस्तरखान ते रखोगे तो तुहाडे दस्तरखान नू लग जाएगा चांद चार चांद, तो फिर तो मज़ा ही आ जाना जनाब तुहानू, तो वाह वाह दी दाद भी मिलनी है। तो ओबवियसली जदों वाह वाह दी दाद मिलती है तो आयरन बढ़ता है, इंसान खुश हो जाता है, तो मैं तो बड़ी खुश होंगी जो मैं तारीफ मिलती है, तो मैं बहुत खुश होंगी जो कोई कहे कि नहीं अज अच्छा नहीं बनया, तो सीरीयसली मैं बहुत डाउन हो जाती हाँ, तो बहुत मैं ना बुरा लगता है, तो मैं बड़ी दुखी हो जाती हाँ कि हाए इतनी मेहनत की है तो फिर भी वाह वाह दी दाद नहीं मिली, तो आयरन बदन की बजाय घट जाता है, लेकिन शुक्र अलहमदुल्ला अल्लाह का शुक्र है हाथ च टेस्ट है जी। अच्छा जी, पानी मैं चंगी तरह सुखा लिया सी इहदा, तो यह फाइनल लुक मैं डिश आउट की है, गल्लां गल्लां विच पता ही नहीं चलिया कि कदों असीं तोरियां बना लिया ने। सो यह जी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, किस तरह लग रहा है तुहानू, लग रहा है ना किसी होटल तो मंगाई है सब्जी, बहुत ही मज़ेदार किसी वधिया रेस्टोरेंट का है सब्जी लग रही है तरकारी, मैनू तो बड़ा ही मज़ा आया सी खा के, क्योंकि कुछ लोग जड़ा ने तूरिया के उत्ते भी लैमन छिड़क के वह खाते ने, तो मैं जी एक घुट जड़ा सिरका तो पाया वह बस इनफ हो गया, तो तुहानू फिर लैमन ये सुटन की लोड़ नहीं, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में मैंने जरूर दसिया जे किस तरह बनी है सब्जी, तो मैं बस पंजाबी बोलन का शौक है, तो यह सैगमेंट साडा पंजाबी होंगे, होपफुली तुसी जरूर इनू पसंद करोगे तो अपनी कॉमेंट च दसोगे मैं। Welcome to another segment, my wardrobe and jewelry. जी तो ये आज जो आपको ड्रेस नजर आ रहा है ये जी मेरी सिस्टर का ही ब्रांड है जो कि मैंने आपके सामने पहना हुआ है, होपफुली अच्छा लग रहा होगा आपको। आप भी अगर ऑर्डर करना चाहते हैं जाइए m.ifashion कलेक्शन पे ऑर्डर कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, मेजरमेंट के साथ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, और मीडियम लार्ज जो भी साइजेस हैं वो आपको चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय वार्डरोब एंड ज्वेलरी में ज्वेलरी, और बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट से पीसेस हैं, आप देखिएगा आपको पसंद आते हैं तो जरूर ऑर्डर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की प्यार की अप्रिसिएशन की और सपोर्ट की जरूरत है, और बच्चों के और बच्चों की मॉमीज के
आप कि कहते ना कि प्यार मेरे लिए एनर्जी के बराबर है, आप लोगों का प्यार अप्रिसिएशन इसी तरह से मुझे मिलता रहे और मैं इंशाल्लाह जरूर कामयाबी की बुलंदियों को छूंगी इंशाल्लाह ताला। सो चलते हैं आज के डिजाइन्स की तरफ कि आज क्या अवेलेबल है। जी तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये खूबसूरत सी एलिगेंट सी ज्वेलरी और ये बहुत खूबसूरत है डिजाइन इसका, ये आप देख सकते हैं और कलर भी बहुत खूबसूरत है इसके। अभी मैं आपको क्लोजअप्स भी दिखाऊंगी इसकी। जी इसके साथ आपको क्या मिलेगा, एयर रिंग्स है इसकी ये, और इसके साथ एक बिंदिया भी है लाइक दिस, आप ये ऐसे लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर, बहुत प्यारा है। और इसके जो मैं आपको क्लोजअप्स दिखाऊंगी तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि कलर कितने खूबसूरत हैं इसके। इसके जी ये थ्री पीस है, लाइक गले का चोकर है और इयररिंग्स हैं और जी ये बिंदिया है, ठीक है। इसके क्लोजअप्स मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। और ये इसके इयररिंग्स, ठीक है जी। तो एक और ये सेट है, इसके भी क्लोजअप्स मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। इसकी कुछ लुक यूं आएगी, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट। आप ऑर्डर कर सकते हैं m.i फैशन कलेक्शन पे। कुछ लोगों ने फोटो शूट कराने हो वो कुछ इस तरह से भी वेयर करती हैं। और जी तो इसकी इसके साथ ये इयर रिंग्स हैं। होपफुली ये सेट आपको बहुत पसंद आया होगा और अभी जो है इस साथ साथ मैं आपके इसको क्लोजअप्स भी शेयर करूंगी। तो एक सेट ये है, जल्दी से मैं आपको दिखा दूं फिर उसके बाद इसके क्लोजअप्स भी आपको दिखाऊंगी। ये लड़कियां आजकल शादियों का सीजन है और लड़कियां बाय कर सकती हैं। आप जाइए m.i फैशन कलेक्शन पे। इसकी भी साथ आपको बिंदिया मिल रही है, ये देखें बिंदिया इसकी बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ आप जी तो खूबसूरत सा m.i फैशन कलेक्शन का कलेक्शन आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना हसीन कलर आपके सामने है। सीरियसली मेरा इस पे फुल दिल आया हुआ है। बहुत खूबसूरत कलर, इतना खूबसूरत कि जैसे वॉटरी कलर होता है ना, कि ब्लू सी, लाइक मालदीव में जो वो है ना पानी का कलर, उस तरह का ये कलर है। बहुत ही खूबसूरत। और ये जी एक और सेट भी गुजरा है, वो भी बहुत खूबसूरत। और एक और ये थर्ड पीस है, ये भी बहुत एलिगेंट और मास्टर पीस है। आप बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए m.i फैशन कलेक्शन पे, ऑर्डर कीजिए और जल्दी से फटाफट से बुक कराइए, नहीं तो ये सेल हो गया तो फिर आप कहेंगे ओहो मिस कर दिया। सो ये जी एक दफ़ा और आपको मैं ये शो कर रही हूँ, ये भी बहुत प्यारा सेट है, निकाह के लिए भी बहुत खूबसूरत है। इसकी जो पहनने के बाद लुक जो आती है, वाओ ज़बरदस्त लुक। सो m.i फैशन कलेक्शन की एक कलेक्शन आपके सामने है, होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा। जरूर जाइए, फॉलो कीजिए और ऑर्डर कीजिए। जी तो कैसा लगा आज का व्लॉग, आपको होपफुली पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आराह जरूर दिया करें और यही कहूंगी जाते जाते खुश रहें और खुशियां बांटें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ होंगी कोई अच्छी सी बात के साथ, अच्छी सी रेसिपीज के साथ और अच्छे से किसी ड्रेस डिजाइन के साथ या फिर बेस्ट ज्वेलरी के साथ। आप जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और m.i फैशन कलेक्शन इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, जरूर उसको फॉलो कीजिए। आपको जो चीज पसंद आ रही है आप स्क्रीनशॉट लेंगे, डीएम करेंगे और आप ऑर्डर करेंगे और आपको मिल जाएगी विद इन अ डे, विद इन 2-3 डे अगर आप आउट ऑफ पूरे पाकिस्तान में 2 से 3 दिनों में ये मिल जाता है। अगर आप लाहौर के शहरी हैं तो सेम डे में आपको मिल जाएगा। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।